हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ट्राइडेंट शेयर की। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लेवल्स आ चुके हैं? क्योंकि ये शेयर अपने 50 रुपीज़ समथिंग से इस वक्त 50% डाउनफॉल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा? और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, क्या उनको बेहतर रिटर्न आने वाला टाइम में मिलेगा? क्या उनको होल्ड करके रखना चाहिए? क्या इसमें अभी डाउनफॉल जा सकता है? फ्रेंड्स, 4 से 5 या 6 महीने पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया था और तब भी आप लोगों को बताया था कि इसमें डाउनफॉल आएगा। फर्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट का 42 रुपीज़ होगा। आप चाहे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिएगा, 3-4 मैंने ट्राइडेंट के वीडियोज़ बना दिए हैं। और सेकंड लेवल बिलो ₹35, और ये कुछ दिनों पहले बिलो ₹35 भी गया था। और मैंने थर्ड लेवल भी बताया था इसका, ₹28। फ्रेंड्स, मैंने फाइनेंशियल वैल्यूज़ को डिस्कस नहीं किया था उस वक्त आप लोगों के साथ में, और ना ही मैंने अभी राजेंद्र गुप्ता जी वाली खबर को डिस्कस किया आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ, और मेरे लिए हमेशा रिजल्ट, परफॉर्मेंस, कस्टमर, सेल, रेवेन्यूज़, नेट प्रॉफिट ये इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज़ को एनालाइज करने के लिए। मैं कभी भी ये नहीं मानता कि किसी पर्सन के आने जाने से हमेशा लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ेक्ट पड़ता होगा, लेकिन ज़्यादातर अगर बायर्स किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, तो नेचुरल नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट होगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर आदमी का एनालाइज करने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ कि राजेंद्र जी गुप्ता की जो न्यूज़ चल रही है वो एक अलग इफेक्ट ला रही है, जिस तरह से ओल्ड लोग बता रहे हैं। लेकिन उनके रहते हुए भी पिछले साल भर का परफॉर्मेंस मैं कंपनी का बताता हूँ आपको, फिर आप एनालाइज़ कीजिएगा कि ये शेयर यहाँ पर इस लेवल पर है और क्यों है और आगे क्या होगा। फ्रेंड्स, पिछले 5 क्वार्टर्स का एनालाइज़ करके बताता हूँ मैं आपको। पिछले 5 क्वार्टर की हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर के 4 क्वार्टर्स और करंट ईयर का 1st क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है, अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर का जो 1st क्वार्टर है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट 207 करोड़, 2nd क्वार्टर नेट प्रॉफिट 234 करोड़ समथिंग, परफॉर्मेंस इम्प्रूव। 3rd क्वार्टर नेट प्रॉफिट 211 करोड़ समथिंग, 4th क्वार्टर नेट प्रॉफिट 181 करोड़, नाउ करंट ईयर नेट प्रॉफिट 129 करोड़ समथिंग, या 129 करोड़ मान लीजिए, 130 करोड़ राउंड ऑफ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू के 1st 2 क्वार्टर को एनालाइज करते हैं पिछले साल के, तो ग्रोथ, और अगर आप उसी से अगर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, आखिरी के जो 4 क्वार्टर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, जिसमें पिछले साल के 3 क्वार्टर और इस साल का 1st क्वार्टर, तो आप देख लीजिए परफॉर्मेंस डाउन है। 234, फिर 211, 180 और फिर 181 करोड़, और उसके बाद में 129 करोड़, यानी कि प्रॉफिट्स कंटिन्यूस डाउन। तो नेचुरल है कि उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी आप लोगों को बताया था कि इसमें जो मैंने मेरे रिसर्च एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया था कि इसके लेवल्स क्या आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है तो शेयर का परफॉर्मेंस भी डाउन ही आएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्या अपर बाइंग लेवल रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें इस वक्त अपर बाइंग लेवल इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी चांस मिलेंगे डाउनफॉल पे भी अगर ये गया तो, क्योंकि वैसे तो ये जो सीज़न है अब आने वाला टाइम, फैब्रिक्स की सेल और डिमांड बढ़ेगी, सेल ही बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने सेल बढ़ती बढ़ती है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, तो कंपनी की प्रॉफिट वापस से बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, जो रिजल्ट एनालाइज मैंने करके बताया उसके अकॉर्डिंगली इस वक्त जिस लेवल पे चल रहा है तो उस लेवल पे सही चल रहा है। और अगर ये क्वार्टर और जुलाई, अगस्त, सितंबर इसमें थोड़ा सा और डाउनफॉल जाता है तो ये हो सकता है कि शेयर बिलो 30 भी आपको लेवल्स दिखा दे। लेकिन मुझे लगता है कि इसका लेवल इतना डाउन जाएगा नहीं, क्योंकि जितना लेवल इसका डाउन आना था, अगर 35 पे आकर के 40 तक गया और अभी भी 37, 38, 40 के आसपास का मजबूत स्टेबिलिटी बना के रखा हुआ है शेयर ने, तो मुझे लगता नहीं कि ये 34, 33 के लेवल से फिर नीचे जाएगा, क्योंकि सेकंड लेवल मैंने 35 इसका मजबूत बता रखा था, पहले ही बताया था और अभी भी मजबूत है। बाई चांस ही इसमें बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस में गिरावट आई है कंपनी की, तभी हो सकता है कि डाउनफॉल पे आए, लेकिन मुझे चांस कम लगते हैं, क्योंकि आप इसके साथ जो भी और भी कोलाबोरेशन हैं, इसका जो वर्किंग लेवल है, इसके जो प्रोजेक्ट्स है, उसकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जो सेल है, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो इतना डाउनफॉल परफॉर्मेंस नहीं आएगा। और आने वाला टाइम, अब मैंने कहा ना सीजन है, त्योहारों का है, तो सेल और डिमांड बढ़ेगी और कंपनी का परफॉर्मेंस वापस बढ़ेगा और कंपनी का शेयर वापस एक अपर लेवल मूवमेंट ट्रैक पकड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना पड़ेगा अबाउ ₹50 वालों, और जो लोग न्यू इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और
एवरेज बनाने की भी कैपेसिटी रखे, अगर थोड़ा सा डाउनफॉल जाता है तो एवरेज ही बनाना है। फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जो फैब्रिक से रिलेटेड ये जो कंपनी वर्क कर रही है, इसमें नो डाउट कि इसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे शेयर में ग्रोथ होना स्वाभाविक है। लेकिन जो लेवल से उसी हिसाब से बढ़ेंगे, जैसे ऐसा नहीं कि कईयों ने आपको कह दिया 200 और 300 का लेवल और 500, ऐसे नहीं, जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स जो भी तथ्य थे मैंने आपको सामने रख के बताए, राजेंद्र गुप्ता जी के रहते हुए भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो यही आया, और अब उन्होंने जो भी रिज़ाइन दिया है, जो भी बात है, मैं अंदर के पहलुओं पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि कंपनी का जो भी मॉडल है वर्किंग का और जो कंज्यूमर्स की डिमांड है अगर बनी रही तो कंपनी ग्रोथ करेगी। हर आदमी के जाने से मैं ये नहीं कहता कि इफ़ेक्ट नहीं आता, इफ़ेक्ट आता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि चीज़ सुचारू रूप से नहीं चलेगी। ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे भी देश में बहुत से प्रधानमंत्री आए और बहुत से प्रधानमंत्री गए, लेकिन देश चल रहा है और चलता रहेगा। हर आदमी की अपनी एक वर्थ होती है, वैल्यू होती है, लेकिन नए आने वाले को भी हम कम आंक नहीं सकते। जो भी कोई दूसरा जगह लेता है उसको भी परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता है, वो भी परफॉर्म करता है और हो सकता है बेटर परफॉर्म करे। सचिन तेंदुलकर जी के बाद में धोनी के बाद में विराट कोहली, तो हम सब जानते हैं। और अब वापस से विराट कोहली के बाद में भी कोई ना कोई एक नया चेहरा, जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा जी भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, विराट कोहली जी भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी भी अब कोई आएगा तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडिया से नहीं कि इंडिया टीम इनके बाद में सिमट करके रह जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई नया आता है, अच्छा परफॉर्म करता है और बेहतर परफॉर्म करता है पहले से भी ज़्यादा। तो हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी मेरी इस उम्मीद पे कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरी कई बात आपको पसंद आएगी, आप भी मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मैं भी इसी उम्मीद पे कायम हूँ। और इसी उम्मीद के साथ चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो बना करके वॉच करने के लिए देता रहूँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।